हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जानकारी हो आप सभी को मैं देने वाला हूं। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से आपको यहां पर जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। कितनी वैकेंसी होने वाली है सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, यानी कि आपकी मेडिकल ऑफिसर की यहां पर जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, साथ साथ आपकी नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऐसी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है, तो वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली यहाँ पर जो जानकारी है वो आप सभी को मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर रेगुलरली शेयर कर दें, जिससे ऐसे अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली यहाँ पर जानकारी देने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया था 22 दिसंबर को, यहाँ पर जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया था। यहाँ पर देख लीजिए, आपको इनवाइट किया है किसके लिए, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको यहाँ पर इन्वाइट है वो किया गया है। ठीक है, ग्रुप ए और बी और सी की आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो देखने को मिल जाएंगी। सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म हो रहे हैं आपके 26 दिसंबर से एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग हो जाएगी। और कौन सी वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होंगे, तो www.pgimer.edu.in क्या है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपकी अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, और क्लोजिंग डेट क्या रहने वाली, क्लोजिंग डेट रहेगी आपकी 25 जनवरी, यानी कि 25 जनवरी तक ये एप्लीकेशन फॉर्म है आपके चलने वाले हैं। और 25 जनवरी को ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपके बंद हो जाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है 25 जनवरी तक अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जरूर भरे। ठीक है, एप्लीकेशन फीस के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, एप्लीकेशन फीस आपकी रहने वाली है पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो रहेगी 800 रुपये आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। बाकी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर जो पे है वो करनी है। उसके बाद में देख लीजिए मोड ऑफ पेमेंट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करें। तो मोड ऑफ पेमेंट आपका रहने वाला है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तीनों से आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी अप्लाई प्रोवाइड की जा सकती है या फिर आप पे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यूपीआई के माध्यम से अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप यहाँ पर पे नहीं करेंगे। इस चीज़ को आप अवॉइड करने की कोशिश करें, यूपीआई से ना करें, या तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप अपना एप्लीकेशन फीस है वो पे करने की कोशिश करें। और ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि कौन सी वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपकी अप्लाई होंगे, तो www.pgimer.edu.in क्या है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई किए जाएंगे। उसके बाद में डायरेक्टली चलते हैं और पोस्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और आप सभी को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कितनी पोस्ट रहने वाली हैं, आपको डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट आपको दिया गया है, पोस्ट का कोड आपको दिया गया है, नंबर ऑफ द पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है, और आपको यहाँ पर नंबर ऑफ द पोस्ट का जो रिमार्क है आउट ऑफ पोस्टेड यानी पीडब्ल्यूडी की आपको पोस्ट अलग से आपको अवेलेबल कराई गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है, एक पोस्ट आपकी रहने वाली है। असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की दो पोस्ट आपकी रहने वाली है। मेडिकल फिजिशियन यानी कि रेडियोथेरेपी की आपकी पोस्ट 5 रहने वाली है। ट्यूटर, ये सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सभी के लिए, ट्यूटर और एनआईएन की जो पोस्ट है वो आपके यहाँ पर 6 देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसके अंदर आपको यहाँ पर नर्सिंग वाले कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर देख लीजिए, स्टाफ क्लिनिक की पोस्ट है, दो पोस्ट रहने वाली है। फिजियोथेरेपिस्ट की एक पोस्ट रहेगी, टेक्निकल ऑफिसर की एक पोस्ट रहेगी, असिस्टेंट डाइटिशियन की आपके यहाँ पर दो पोस्ट हैं ये देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। देख लीजिए, लाइब्रेरियन कलरक की है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड ए की पोस्ट आपको दी गई है, काफ़ी पोस्ट है, 17 पोस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। तो इस प्रकार से आपकी क्या रहने वाली है, ये जो पोस्ट है ये आपको देखने को मिल जाएंगी। फॉर द पीजीआई यहाँ पर सेंटर के लिए संगरूर यानी कि सैटेलाइट जो सेंटर है उसके लिए मेडिकल ऑफिसर की आपको एक वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो ये थी वैकेंसीज के बारे में डिटेल की, कितनी कितनी पोस्ट रहने वाली हैं। अब बात करते हैं इनके क्वालिफिकेशंस के बारे में कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन रहने वाली है और नर्सिंग वाले कैंडिडेट कौन सी पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आपको यहाँ पर रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकेंड शेड्यूल पार्ट सेकेंड ऑफ द थर्ड शेड्यूल ये आपको होल्डर दिया गया है। एक डायटिशियंस के टाइप में यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है। उसके बाद में बात करें रेडियो थेरेपीज के लिए, तो रेडियो थेरेपी के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एमएससी इन द मेडिकल फिजिक्स के अंदर आपको क्या चाहिए, क्या एमएससी हो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में ट्यूटर की वैकेंसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि ट्यूटर की वैकेंसी के लिए जो नर्सिंग वाले कैंडिडेट हैं वो इस ट्यूटर की वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ट्यूटर और एनआईएन के सैलरी की बात करें तो लेवल 10 के हिसाब से यहाँ पर जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 56,000 रुपये से लेकर 1,77,000 रुपये तक आपकी यहाँ पर जो सैलरी है वो रहने वाली है। यहाँ पर देख लीजिए, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे, लेकिन 5 ईयर का उनके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास 2 ईयर का यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। एमएससी नर्सिंग 2 ईयर इन द टेक्निक टीचिंग एक्सपीरियंस
हो तो वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी इसकी ट्यूटर की वैकेंसीज के बारे में। उसके बाद में बात करते हैं मेडिकल ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इसकी भी सैलरी आपको लेवल 10 के हिसाब से रहने वाली है। इसके अंदर आपको MBBS की डिग्री चाहिए, MBBS वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट को। उसके बाद में देख लीजिए मेडिकल ऑफिसर यानी कि स्टाफ क्लिनिक की पोस्ट है, इसकी भी आपकी सैलरी लेवल 10 के हिसाब से रहने वाली है, ठीक है। इसके अंदर भी जो MBBS कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसके अंदर, फिजियोथेरेपी के अंदर। और सैलरी आपकी लेवल 8 के हिसाब से यहाँ पर रहने वाली है। एज लिमिट देख लीजिए 18 से 30 ईयर रहेगी। और जो आपको नर्सिंग की वैकेंसी थी यानी कि ट्यूटर की वैकेंसी थी उसके अंदर भी 18 से 30 ईयर आपके यहाँ पर जो एज लिमिट है वो देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में देख लीजिए असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी के लिए आपको डिग्री इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इक्विपमेंट के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। और लाइब्रेरी क्लर्क के लिए आपको मैट्रिक विद साइंस करना चाहिए और डिप्लोमा इन द लाइब्रेरियन साइंस, यानी कि लाइब्रेरी साइंस के अंदर आपके पास डिप्लोमा है तो लाइब्रेरी क्लर्क की पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 4 के हिसाब से सैलरी रहने वाली है। सैलरी इसकी आपकी अच्छी रहेगी, 25,500 से लेकर 81,000 रुपये तक आपकी जो सैलरी है वो रह सकती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी आपकी अच्छी खासी रहेगी, 12th पास कैंडिडेट होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर नॉलेज अच्छा होना चाहिए, डाटा की एंट्री और नॉलेज आपको यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए आपकी स्पीड आपको दी गई है कि 8,000 की डिप्रेशन पर हावर आपके पास डाटा एंट्री वर्क होना चाहिए, तो वो कैंडिडेट यानी कि 1 घंटे के अंदर आपको 8,000 की लिखने हैं तो वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देख लीजिए टेक्नीशियन की पोस्ट आपको दी गई है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर, काफ़ी सारे अलग अलग पोस्ट आपको अवेलेबल कराई गई हैं। तो ये थी पोस्ट के बारे में कंप्लीटली जानकारी कि कितनी पोस्ट है, कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाली है। बात करते हैं लास्ट डेट के बारे में, जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके भरे जाएंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 25 जनवरी, यानी कि 25 जनवरी आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है, लास्ट डेट आपकी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में बात करें एज रिलैक्सेशन के बारे में, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो एज रिलैक्सेशन देख लीजिएगा, SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, PWD कैटेगरी के लिए 10 साल का है, PWD SC ST के लिए 15 साल का है, PWD OBC के लिए यहाँ पर 13 साल का एज रिलैक्सेशन है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, ये थी एज रिलैक्सेशन के बारे में चर्चा की कर दी है मैंने आपको, और बाकी डिटेल हम आपको पहले ही बता चुके हैं। वैकेंसीज के बारे में कम्प्लीटली जानकारी मैंने आपको दे दी है, ठीक है। ऑनलाइन आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके रहने वाले हैं, तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है इस वैकेंसीज को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी होने वाली है। PGI की तरफ से आपको परमानेंट वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए, उनके डाउट क्लियर किए जाएंगे। या फिर साथ ही साथ अगर इसकी कंप्लीट जानकारी चाहिए, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो डिस्कस है वो आपको मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो जो जिस भी कैंडिडेट को कोई डाउट है या फिर स्कैम ऑफ द एग्जाम यानी कि क्या स्कीम एग्जामिनेशन की स्कीम क्या रहने वाली है, ये चीज़ भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा अगर आपको चाहिए तो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट हमारे पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू।